कंगना रनौत ने एक मूवी बनाई है इमरजेंसी, जिसके अंदर इन्होंने जो अकाल तख्त साहब है हमारे सिखों के जो सर्वोच्च स्थान है उसको डिग्रेड करने की कोशिश करी है उसके नाम से, और जो हमारे उस समय के मौजूदा जथेदार थे संत जरनैल सिंह उनको एक आतंकवादी के तौर पे पोर्ट्रेट करने की कोशिश करी है, जो कि बिल्कुल ही बेबुनियाद है, क्योंकि कोई भी ना तो FIR ना कुछ ऐसा उनके खिलाफ़ था, क्योंकि एक धर्मयुद्ध मोर्चा जो आनंदपुर साहब रेजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगाया गया था उसको सरकार ने गलत ढंग से ले जाके हरमिंदर साहब पे हमला किया और वहाँ पे निर्दोष लोगों का कत्ल किया, जिसमें उस समय के मौजूदा जथेदार संत जरनैल सिंह जी शहीद हो गए। तो ये बातें बिना स्टडी करे बिना पढ़े और एक मूवी बना देनी, और मूवी में भी क्या है कि पता नहीं इसकी फंडिंग कहाँ से, ED को ये देखना चाहिए कि इसके पास फंडिंग कहाँ से आ रही है फिल्में बनाने की। इस फिल्म की एक्टर भी ये है, डायरेक्टर भी ये है, प्रोड्यूसर भी ये है, और अगर आप पिछले समय में देखोगे जितनी भी फिल्में इसने प्रोड्यूस करी हैं वो टोटली फ्लॉप रही हैं। एक फिल्म की तो टोटल 17 टिकटें बिकी हैं ऑल ओवर इंडिया में। अब इतनी बड़ी बजट की फिल्में के पीछे पैसा कौन लगा रहा है, किसका पैसा है, इसकी जांच होनी चाहिए। हमने कंप्लेंट फाइल करी है, इन्होंने जो धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश करी है और दो कम्युनिटीज़ के अंदर जो इसने रिफ्ट डालने की कोशिश करी है उसके तहत हमने इलाका मजिस्ट्रेट के अंडर सेक्शन 302 196 पार्ट 1 197 पार्ट 1 BNSS के तहत हमने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करी है ताकि इसके खिलाफ पर्चा दर्ज करके इसको सजा दिलाई जा सके। सर क्या सजा हो सकती है, कब तक की तारीख है? इसकी अगली तारीख हमारी 17/9 है, और इसके अंदर जो है मैक्सिमम 2 साल की सजा का प्रावधान है। हाँ जी, तो आपको क्या लगता है इस तरह की फिल्म बनाने का क्या उद्देश्य है, जो क्या? देखो, जो इनका पिछले समय का किरदार रहा है अब तक का वो यही है कि ये एंटी नेशनल है ये औरत, और ये हमेशा से ही सिखों को टारगेट करती रही है, चाहे वो किसानी आंदोलन में आप देखो इन्होंने जो किसान हमारी माएँ थी बहनें थी उनके खिलाफ जिस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करी है, अब पीछे जो इसने किसान आंदोलन को लेके जो स्टेटमेंट दी कि वहाँ पे रेप होते थे, वहाँ कत्ल होते थे, जबकि वो एजिटेशन वर्ल्ड के अंदर एक PhD या रिसर्च का विषय है कि इतना पीसफुल और इतना जो अपना डिसिप्लिन्ड एजिटेशन जो रहा है सबसे लंबा रहा है, और उसको लेके इसने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया हमेशा, चाहे वो इमरजेंसी जैसी फिल्म हो चाहे किसानी आंदोलन हो, इसने हमेशा ही एंटी नेशनल बातें करी हैं सिखों के खिलाफ। सिख वो कौम है जिन्होंने सबसे ज़्यादा कुर्बानियां हिंदुस्तान के लिए दी हैं। पंजाब का कोई भी कोई गांव ऐसा नहीं है जहां से 2, 4, 5 लड़कों ने बॉर्डरों के ऊपर अपनी जानें ना दी हों, ना शहीद हुए हों, और ये हमें देशभक्ति के सबक सिखा रही है। जो इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके पिछोकड़ क्या है इसका, कोई इतनी अमीर नहीं है, ये धक्के खा के बॉलीवुड में खुद कहती है, विक्टिम कार्ड प्ले करती है ये कि मेरे साथ रेप हुए हैं, मेरे को मिसयूज़ करा है, तो ये खुद इन चीज़ों को एडमिट करती है। और अचानक इसके पास इतना पैसा आ गया कि ये बजट बड़ी बड़ी बजट की फिल्में हैं वो सिर्फ हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने के लिए बना रही है, चाहे रानी लक्ष्मी बाई की फिल्म थी उसमें इसने इतिहास को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करी, ऐसे बहुत सारे एक्ट है उसमें जो कभी हुए ही नहीं जो इन्होंने फिल्म में, क्योंकि ये डिजिटल डॉक्यूमेंट बन गया, अब कोई भी फिल्म है ये 200 साल बाद कोई 300 साल बाद बंदा देखेगा इसको तो वो तो यही सोचेगा कि पास्ट में यही हुआ होगा। ऐसे ही इन्होंने इमरजेंसी के तहत हर एक करेक्टर को बैड लाइट में ले जाने की कोशिश करी, चाहे वो संत जरनैल सिंह है, चाहे वो इंदिरा गांधी है, चाहे वो संजय गांधी है, जितने भी आप अगर पात्र देखोगे उसके अंदर उनको डाउनग्रेड करके एक पर्टिकुलर
पार्टी के बंदों को एक हीरो के तौर पर पेश करने की कोशिश करी, तो इसलिए इसका जो बैकग्राउंड है वो बड़ा क्वेश्चनेबल है। तो ये एजेंसीज को जरूर देखना चाहिए कि ये फंडिंग कहाँ से आ रही है।